तो अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के मिले हैं 2 नए मरीज। रायपुर और दुर्ग में मिले हैं कोरोना के मरीज। 1358 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसके बाद 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। राज्य के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिले फिलहाल तो संक्रमण मुक्त है। जी हाँ, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो रायपुर में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है एक बार फिर से, और अब रायपुर में 2 कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या की बात करें तो अब 4 हो गई है। वहीं केवल 4 जगह ऐसी है जहां पर अभी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है, और राज्य के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिले फिलहाल संक्रमण मुक्त है। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। जहां देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नए वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक बार फिर से कोरोना ने छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे दी है, कुल मरीजों की संख्या 5 हो गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट अब तक? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। रायपुर और दुर्ग में एक एक मरीज मिले हैं। हालांकि 1000 से अधिक सैंपलों की जांच में मरीज मिले, तो बहुत अधिक घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क जरूर स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है। 5 मरीज कुल मिलाकर अब तक पूरे प्रदेश में मिल चुके हैं कोरोना के। तो इस तरह से जांच की जब शुरुआत हुई है तो मरीजों के मिलने का क्रम भी जारी है, और इसी के साथ साथ जो सैंपलों की चेकिंग है उसको और बढ़ाने की बात भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। साथ और सभी जिलों में इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोरोना से सतर्कता जो है वो बढ़ा दी जाए। जी, तो सतर्कता बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।